अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किए जा रहे आयोजन को लेकर दुर्ग के शताब्दी गार्डन में की जा रही है साफ सफाई। जहां अव्यवस्था के आलम में पड़े इस गार्डन को संधारण किए जाने की आवश्यकता है, तो वहीं प्रशासन द्वारा बारिश की स्थिति में ये आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर में किया जाएगा। 21 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुर्ग के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शताब्दी गार्डन को चुना गया है, जहां जिम्मेदार अधिकारी के निर्देश पर इस गार्डन की सिर्फ साफ सफाई की जा रही है। वास्तविक स्थिति से हर कोई भलीभांति वाकिफ है। शहर के मध्य में स्थित शताब्दी गार्डन, जिसको सजाने व संवारने शासन प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किया गया है, जो अब अपनी दुर्दशा बयान कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित शताब्दी गार्डन में निगम टीम द्वारा सिर्फ साफ सफाई की जा रही थी, जहां अव्यवस्थित हाल में पड़े गार्डन की कुर्सियां टूटी हुई पड़ी है, दीवार टूटी पड़ी है, वहीं बिजली के लगे पोल से सारी लाइटें भी गायब हैं, जिसे नजरअंदाज कर अधिकारी व कर्मचारी सिर्फ आदेश का पालन करते हुए सिर्फ साफ सफाई ही करवा रहे हैं। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शताब्दी गार्डन में व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। वहीं बारिश की स्थिति में यह आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल मालवीय नगर में किया जाएगा, जिसके संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों के उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित कर संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका वर्मा आयोजन की संयोजिका व प्रभारी अधिकारी होंगी। वहीं SDM दुर्ग मुकेश रावटे को कार्यक्रम की तैयारियों का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही उप संचालक समाज कल्याण कार्यक्रम से जुड़े विभागों से समन्वय कर कार्यक्रम समय सीमा पर पूरा करने व निकायों एवं जनपद पंचायतों में धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल का चयन कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निगम अधिकारी गिरीश दीवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शताब्दी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की तैयारी चल रही है, जो 21 तारीख को है, 21 जून को। एक्चुअल में जो हमारा कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग का और पूरे ज़िले का एक ऐतिहासिक धरोहर है, जैसे आप देख रहे हैं जय स्तंभ 1947 को बना हुआ है, तो ऐतिहासिक धरोहर के समीप मनाने का कलेक्टर माननीय कलेक्टर महोदय का निर्णय हुआ था, तो उसके परिप्रेक्ष्य में तैयारी चल रही है, साफ सफाई कराई जा रही है। उसके बाद फिर इसमें फिर योगा दिवस के हिसाब से जो तैयारी है, महत्वपूर्ण स्टेज है और जो कारपेट वगैरह सब कुछ भी ऊपर, उसकी तैयारी चलेगी। उसके बाद अभी साफ सफाई चल रही है। हाँ, उसका संधारण का तो अभी मैटर नहीं है, क्योंकि योगा दिवस के हिसाब से ही तैयारी चल रही है। संधारण का विषय जो है PWD या नगर निगम के जो हायर अथॉरिटी, उनके समक्ष निर्णय होगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शताब्दी गार्डन की साफ सफाई कर सूरत हाल बदली जा रही है। अगर साल में 5 बार इस तरह के आयोजन होते रहे तो गार्डन की दशा व दिशा बरकरार रह पाएगी। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।